Hello, my dear educators. This is Minakshi Nirula, founder and director at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let's discuss another important concept like difference between inclusive education, integrated education, and special education. How these three Topics, how these three terms are different, or what are the similarities amongst them? Let's talk about that. So, here you go, my dear educators. First of all, we should know the main difference between special education, integrated education, and inclusive education is that uh, special education is a separate system of education. राइट दैट केटर्स टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो जहाँ हमारे रूटीन के रेगुलर नॉर्मल विदाउट डिसेबिलिटीज़ बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मल स्कूल स्कूल्स में उसमें से इन बच्चों को अलग रखा जाता है इनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली और उन स्कूल्स में उनको पढ़ाया जाता है राइट right? तो उनके लिए स्पेशल स्कूल हो गए उनको एक्सक्लूड कर दिया गया नॉर्मल स्कूलिंग से दैट इज डन इन स्पेशल एजुकेशन एंड इन स्पेशल एजुकेशन द सर्वेस द सपोर्ट नेसेसरी फॉर वन स्टूडेंट कैन वेरी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनादर क्योंकि उनकी जो डिसेबिलिटीज हैं वो डिफरेंट हैं किसी की माइनर है किसी की मेजर है डिसबिलिटी की टाइप्स भी डिफरेंट हैं कोई विजुअली इम्पेयर्ड है किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है किसी को एम्पुलेशन है आई मीन डिफरेंट डिफरेंट हाइंड ऑफ डिसेबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स डिफरेंट है उनको डिफरेंट सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एंड द सिचुएशन अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड क्लासरूम की राइट right? पहले तो एक स्पेशल एजुकेशन है उनको सेपरेट कर दिया एज यू कैन सी द स्क्रीन, राइट आई है पहुंचेंगे और उसके नीचे आपके पास थ्री इमेजेस है एक इमेज है एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब उनको एक्सक्लूड ही कर दिया कि वो पढ़ नहीं सकते दे कैन नॉट बी अट ऑफ सोसाइटी राइट right? उनको अकोमोडेट नहीं किया उनको उसमें एडजस्ट नहीं किया उनको उनमें रहने का हक नहीं दिया उनको वो राइट्स नहीं दिए गए पढ़ने के और वो आगे बढ़ने के उनको एक्सक्लूड कर दिया गया right? kind of देखिए जहां पर ग्रीन डॉट्स से मतलब नॉर्मल एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं राइट right? और जो स्टूडेंट्स हैं विद सम स्पेशल एबिलिटीज विद सम समबिलिटीज उनके लिए एक अलग स्कूल बना दिया गया स्पेशल स्कूल एंड जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग की इंटीग्रेशन की मतलब एक ही स्पेशल मेन स्ट्रीम स्कूल में वो बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर उनको एक अलग कॉर्नर में रखा गया है उनको अगेंस्ट कुछ और स्पेशल जो है वो फैसिलिटीज दी गई हैं उनका करिकुलम शायद कुछ कम है उनके लिए कुछ स्पेशल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई है मे बी उनका जो करिकुलम है बाकियों से कम है उनका इवेल्युएशन के तरीके जो है वो कुछ डिफरेंट है तो दैट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम और जो टॉप पर है इंक्लूजन मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं है नो डिफरेंशियन बिटवीन दिल्ड्रेन विध डिसिटी एंड चिल्ड्रेन विद आउट डिबिलिटी सो हेयर यू गो वी वॉकउट लाइक दिचुएशन विद इन एन इंटीग्रेटेड क्लासरूम इज क्वाइट डिफरेंट एक्स्ट्रा सपोर्ट रिक्वायर्ड राइट टू फेसिलिटेट द चिल्ड्रेन सो दैट दे क्लासरूम पर उनको स्पेशल फील कराया जाता है लाइक यू आर स्पेशल ज नो डिफरेंशियन इट इज कंसिडर लाइक इच एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक जैसे हम कहते हैं वी आर है किसी का सिंगिंग में है राइट right? किसी का राइटिंग में है किसी का ड्राइंग में है कोई किसी में पार्टिसिपेट करता है तो व्हेन दीज चिल्ड्रन दे आर कमिंग विद काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि उनको दिव्यांग बोलते हैं बॉडी डिवाइन बॉडी दे आर हैविंग राइट सो दे आर स्पेशल इन देयर ओन वे राइट So here you go. So when we talk about when we compare these three different kinds of education, so we shall talk about one by one. Special education is a system of education that responds to the needs of the children with disabilities outside the mainstream education. Unko alag kar hai, right? And integrated education is provided within general classroom, ek general classroom ka hissa hota hai, where the special needs children they learn alongside with the peers. विदाउट डिसबिलिटीज वो उसमें ही होते हैं बट उनको कुछ स्पेशल अटेंशन दिया जाता है एंड एन इंक्लूसिव क्लासरूम इन दैट केस need स्पेशल as एज वेल एज दर्नर स्टूडेंट इट get इक्वल बेनिफिट Welcoming the diversity of the students and usme जो changes hain उनके जो special needs हैं उनको welcome किया जाता है उनको accept किया जाता है कोई भी किसी तरह का कोई discrimination नहीं होता है राइट right? कोई सेपरेशन नहीं होता है कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं दी जाती उनको लगता है कि दिस इज नॉर्मल आई मीन जैसे मैंने दिया था आपको कि अगर स्कूल का एंट्रेंस है वो व्हील एक्सेसिबल है तो उस रैम्स के थ्रू नॉर्मल बच्चे भी जा सकते हैं व्हील भी जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको लगता नहीं कि उनके लिए कुछ स्पेशल अलग से किया जा रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनवायरमेंट राइट सो ना

सबके लिए एजुकेशन सेम एजुकेशन सेम करिकुलम सेम फेसिलिटीज सेम ऑफ एक्टिविटीज राइट सो दैट इज देयर इन इंक्लूसिव एजुकेशन नाउ इन स्पेशल एजुकेशन दैट इज लेस चैलेंजिंग क्योंकि वो स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है इसके लिए इजी हो इसको कोई दिक्कत ना हो इसको कोई मुश्किल ना हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो करिकुलम डिजाइन किया जाता है वो इतना चैलेंजिंग नहीं होता जो इंटीग्रेटेड है दैट इज मोर चैलेंजिंग फॉर द स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि वो उस पार्ट uh, का और इस क्लासरूम का एक हिस्सा होते हैं जहां पर उनको वही काम करने पड़ते हैं

वो बच्चे के लिए एक मेंटली बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है कि हाउ टू एक्सेप्ट राइट ना इन स्पेशल एजुकेशन राइट कैन टेक प्लेस इन अ जनरल क्लासरूम रिसोर्स रूम और अ स्पेशलाइज्ड स्कूल या तो स्पेशल स्कूल होते हैं या तो एक नॉर्मल स्कूल में भी एक अलग से क्लासरूम हो सकता है कि स्पेशल बच्चों की एक अलग क्लास है सेक्शन ए इनका है सेक्शन बी इसका है वो अलग हो गया राइट एंड इट टेक्स प्लेस विद इन द जर्नल क्लासरूम इंटेग्रेटेड जर्नल क्लासरूम में ही होता है बच्चे बैठते हैं पर उनको जैसे एक जगह पर अलग बिठा दिया राइट right? ए रो उनकी होगी ये यहाँ पर वो बच्चे बैठे थोड़ा सा सेपरेशन उनको लगता है दे फील उनको बहुत बुरा लगता है, एंड इट टेक्स प्लेस विद इन द क्लासरूम और उसमें कोई सेपरेशन नहीं कोई किसी के भी साथ बैठा जैसा आप बहुत सारी मेरी इमेजेस में देखते हो जो आप थंबनेल्स में देख पाते हो कि कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है एज यू कैन सी हियर ऑल्सो इन इंक्लूजन एट द टॉप दैट इमेज सब एक साथ मिलकर दे आर इंजॉइंग नो डिस्क्रिमिनेशन जैसा हम कहते हैं जात पात रंग रूप इसके तरफ कोई भेदभाव नहीं है वैसे ही इनकी एबिलिटीज और डिसबिलिटीज के अकॉर्डिंगली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इन इंक्लूसिव एजुकेशन नाउ इन स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स में फाइंड इट हार्ड टू री एंड मिंगल विदिलीज पियर्स एंड कम्युनिटीज जब स्पेशल स्कूल्स में जाकर उनको पढ़ाया जाता है उनको वैसा इन्वायरमेंट मिलता है उनको वैसी ही टास्क बताई जाती हैं कि ये करना है और इतना चैलेंजिंग सिचुएशंस को वो फेस नहीं कर पाते तो उनके लिए फिर स्कूल्स कंप्लीट करने के बाद में साथ में अपनी फैमिली के साथ ऐसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना मुश्किल लगता है क्योंकि वो वही चीजें वहां पर एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट और बहुत बार दे फील बैड ऑल्सो मैं ये नहीं कर सकता मैं वो नहीं कर सकता उनकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है एंड इन वन इट इट द द द कॉन्फिडेंस ऑफ स्पेशल नीड एज अ चांस टू मिंगल विद जर्नल पेयर थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करता है उनको लगता है कि हाँ हम यहाँ पर सेम स्कूल में सेम क्लासरूम में इन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं पर वहां पर भी जब उनको थोड़ा सेग्रीगेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ स्टीम फेक्ट करती है राइट इन इंक्लूसिव एजुकेशन इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्पेशल नीड स्टूडेंट एज इट चांस टू मिंगल विद्यर्स और कोई डिफरेंसिएशन नहीं होता है सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेटर एज कंपेयर टू स्पेशल एजुकेशन राइट स्कूल्स टू राइट तो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स इनकी पढ़ेंगे इट इंक्लूड्स वी सर्विस इन द डिफरेंट सेटिंग यूजिंग डिफरेंट मैथड्स टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट देखिये हम इनको डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट कहते हैं इनको स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट बोलते हैं इनको दिव्यांग बोला जाता है राइट right? तो so, इनको स्पेशल जो है वो इन्वायरमेंट दिया जाता है स्पेशल इवेल्यूएशन इनके स्पेशल प्लेसमेंट स्पेशल काइंड ऑफ रीव

बाहर भी खेलते हैं प्ले में भी जाते हैं राइट right? बट उनके लिए जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उनका जो करिकुलम है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल स्कूल फ्रॉम द करिकुलम दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स हु आर विदाउट डिसेबिलिटीज राइट सो नाउ जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड क्लासरूम की एज यू कैन सी ओवर हियर इन एन इंटीग्रेटेड क्लासरूम सेटिंग स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स दे लर्न टुगेदर विद द जनरल एजुकेशन पियर सो इट इज टिवली बेटर एजुकेशन हाउ एवर डिफरेंटली एबल्ड फ्रॉम द स्पेशल नीड्स एजुकेटर्स जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको उनको काफी सपोर्ट दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को उनके द्वारा एंड ओकेजनली उनके लिए सेपरेट स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं राइट right? बच्चों के लिए अपार्ट फ्रॉम द जनरल एजुकेशन एंड विद इन सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स टेंड टू एक्वायर एज अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं राइट right? जैसे वो दूसरे स्टूडेंट्स को दी जाती हैं एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो दे ऑल आर सिटिंग कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन दिख रहा है कि दो बच्चे इधर बैठे हैं दो बच्चे इधर बैठे हुए हैं कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स थोड़े से तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द स्पेशल एजुकेशन उनको देखकर मोटिवेशन भी मिलता है की आई कैन डू दिस आई कैन डू दैट राइट दैट इन्फ्लुएंसर सेल्फ कॉन्स कॉन्फिडेंस राइट

as per their abilities as per their talents as per their interests they choose the subjects they choose the activities so that they all can come forward discrimination no that's as per their interest level now compared to special education system inclusive education it focuses not only on the students with special needs but others as well पर फोकस किया जाता है integrated में क्या होता था कि स्पेशल बच्चों हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा बिकॉज वो दिव्यांग है इसलिए उसको स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है मेरे ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा ये होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम में राइट इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं होता नाउ विद इन system the students they do not have to fit into the mainstream education instead the school changes to accommodate the needs of the all school co infrastructure may teaching strategies may lesson planning may apply TLM may changes as per the needs of all kinds of learners with disability and without disability. Therefore it welcomes a diverse learning styles and speeds of the students. हर एक की अपनी स्पीड होती है सीखने की लर्न करने की समझने की किसी को वीडियो एक बार देख के समझ में आ जाता है किसी को दो तीन बार देखना पड़ता है पॉज करके नोट्स भी लेने पड़ते हैं हमें स्क्रीन शॉट लेता है चॉइस इज हाउ यू गो गोहैट विद दैट राइट तो फर्दर मोर इन कंपेरिजन टू स्पेशल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंक्लूजन इज फार मोर प्रोग्रेसिव एज इट रिजेक्ट द बैरियर दैट हिंडर द स्टूडेंट्स एंड एनकरेज ऑल इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन जब बैरियर ही नहीं रहेंगे जब रुकावटें ही हट जाएंगी आपको पूरे मौके दिए जाएंगे then, तभी तो एक इंडिविजुअल की सक्सेस होगी और वो सोसाइटी की नेशन की वर्ल्ड की एट लार्ज ग्लोबली एवरीबडी विल बी सक्सेसफुल तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन वी विल बी इंक्लूडिंग ऑल इन दैट राइट सो माय लवली एजुकेटर्स नाउ द लास्ट स्लाइडस विद यू इसमें देखो आपके पास तीनों इमेजेस हैं स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूजन राइट तो हम इनके बारे में एक एक पॉइंट जो डिस्कस करेंगे आपको पूरी बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज दैट स्पेशल एजुकेशन क्या है फिर वो स्पेशल है उसको स्पेशल बनाया जाता है इंडिविजुअल स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है हर एक स्टूडेंट के लिए अलग तरीके का करिकुलम अलग तरीके की फैसिलिटीज अलग तरीके का उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन जो है वो सोची जाती है कि ये क्या कर पाएगा और थोड़ी सी चैलेंजिंग वो नहीं होती लेस चैलेंजिंग होता है राइट वाइल इंटीग्रेटेड एजुकेशन अटेम्स टू एनकरेज द स्टूडेंट्स विद डिसबिलिटीज टू बी अ पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप उनके लिए प्रेशर हो जाता है कि उनको एक बड़े ग्रुप का पार्ट एक हिस्सा बनाया जाता है राइट एंड इंक्लूसिव सिस्टम इट स्टिक्स टू एजुकेशन फॉर ऑल अप्रोच फर्दर मोर इन कंपेरिजन टू स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन आर मोर स्पेशल एजुकेशन से थोड़ा बेटर है इंटीग्रेटेड वन इंटीग्रेटेड से बेटर है इंक्लूसिव बिकॉज इट बूस्ट द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स So, ये इमेजेस जो लगा रखी है क्लिप पार्ट ये आप याद रखिएगा रखिएगाट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट एंड नाउ आई नो यू विल बी एबल टू राइट बेटर वेन यू विल बी आस अबाउट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अमांग्स स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड inclusive education. So my lovely educators, stay tuned, like, subscribe and share. Mentoring the mentors. Have a nice day. Tomorrow again I'll be there with you with another concept on inclusive education. Bye bye. Thank you from Vinakshi Nerula. Have a nice day.